हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे। जो भी बोल रहे बिहार के नेता बोल रहे, और क्या क्या बोल रहे, तौबा तौबा। आते ही इतनी तौबा तौबा क्यों कर रहे हो शेखरू? अरे तौबा तौबा इसलिए कर रहा हूं बंदरू, क्योंकि बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन नेताओं की वाणी और भी तेज हो गई है। सारे नेता बैलेट बोल बचन हो गए हैं, सब एक से बढ़कर एक विवादित और अमर्यादित बयान दे रहे हैं। इसलिए पोल खोल में आज हम सबसे पहले इन्हीं बैलेट बोल बचन की, यानी बिहार के बोल बचनों की खोलेंगे पोल। बैलेट बोल बचन। इस चुनाव में नंबर वन बैलेट बोल बचन साबित हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश बाबू आज एकदम पर्सनल हो गए, और पर्सनल होके सीधे लालू जी और उनके फैमिली पे अटैक कर दिए। अटैक, किसी को चिंता है? आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ, और आप सोच रहे कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? No, 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 Nitish Babu, no. Not a good thing to do. You have to be more civil, more polite, more parliamentary. ये तो बिलो द बेल्ट वाली बात हो गई नीतीश जी। एक बात बताइए, tell me one thing, आपकी पार्टी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है? पूरी दुनिया को मालूम है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, फिर बार बार आप लालू यादव का नाम क्यों घसीट लेते हैं? उनके कितने बाल बच्चे हैं इसका इस चुनाव से क्या लेना देना? What is the equation? आप परिवार नियोजन के कार्यक्रम का उद्घाटन करने तो गए नहीं थे? क्या बात कही? हाँ, परिवार नियोजन के कार्यक्रम में गए होते तो कोई बात होती, और आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने अभी शादी भी नहीं की है, तो किसके बाल बच्चों की बात कर रहे हैं नीतीश जी? और लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप जी की शादी तो हुई है, लेकिन वो अभी तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अभी पिता नहीं बने हैं। तो आपका मुकाबला इन दोनों से है, तो फिर आप इनके पिता पर क्यों चले जाते हैं? Why go on their बाबूजी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी रात में आपके सपने में लालू यादव आ जाते हैं? What? वैसे सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हकीकत, हकीकत समझते हैं? दो दो नुक्ता है, हकीकत, हकीकत क्या है ये भी तो समझिए। अब ये भी बताओ कि तेजस्वी यादव ने क्या किया शेखरू? अरे तेजस्वी भैया भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी कम बोल बच्चन नहीं है, उन्होंने भी नीतीश बाबू के तीर को पकड़कर वापस उन्हीं की तरफ मोड़ दिया, और प्रधानमंत्री मोदी के फैमिली तक चले। बैलेट बोल बच्चन। हमारे बहाने जो है नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी छह सात भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पहले ही दिन से तेजस्वी जी नीतीश चचा को थका हुआ बताए जा रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। यानी वोट गिनने से पहले हमारे नेता एक दूसरे के बच्चे गिनने में लग गए हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं भात भात। वैसे बच्चे गिनने से पहले नीतीश बाबू तेजस्वी यादव के सर्टिफिकेट्स भी गिन रहे थे। न काम का अनुभव है न जानकारी कि कैसे काम किया जाता है, और हम तो शुरू से यही जानकारी लेते रहे हैं, यही अनुभव प्राप्त हुआ है। अरे बड़े मियाँ का हाल तो देख लिया, अब छोटे मियाँ का हाल दिखाता हूँ। ये छोटे मियाँ कौन है शिकारू? अरे बंदरू, छोटे मियाँ मतलब जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक।
बैलेट बोल बच्चन। अजय आलोक जी तो आज इतना भड़क गए कि चिराग पासवान को उनकी औकात ही बता दी। जिनकी एक पैसे की औकात नहीं है आज इस चुनाव में घूम रहे हैं कि हम अयोध्या हम और हनुमान हैं। कोई हनुमान नहीं है, ये अयोध्या जलाना चाहते हैं, ये कलयुग के हनुमान हैसियत नहीं है एक सीट जीतने की और यहाँ पे कंफ्यूजन से फैला है। औकात औकात औकात, बिहार में आजकल लोग औकात बहुत बता रहे हैं। कुछ दिन पहले एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने भी एक अभिनेत्री के औकात बताई, हालांकि बाद में बेचारे गुप्तेश्वर जी को अपनी ही औकात पता चल गई। अब जेडीयू वाले चिराग के औकात बता रहे हैं, मतलब मन में एक बात आई तो कह दिया। वैसे अजय आलोक जी, आप तो खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो खुद को भी तो कुछ दवा दारू दीजिए। देखिए कैसे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं आप अब, मतलब दवा के साथ दारू तो ठीक है लेकिन दारू विदाउट दवा तो। उन्होंने कहा है कि आप लोग पीएम मोदी को मदारी कह रहे हैं। हो गया क्वेश्चन नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो संदेश, स्पष्ट संदेश। तो ये वन वे करेंगे आप? इतना गुस्सा, बाप रे बाप। बंदरू फिर से देखना चाहोगे रिपीट टेलीकास्ट? जिनकी एक पैसे की औकात नहीं है आज इस चुनाव में घूम रहे कि हम अयोध्या हम और हनुमान, कोई हनुमान नहीं है, ये अयोध्या जलाना चाहते हैं, ये कलयुग के हनुमान हैसियत नहीं एक सीट जीतने की और यहाँ पे कंफ्यूजन सिर्फ फैला रहे। मतलब अजय आलोक जी पूरी तरह अहंकार के आलोक में डूबे हुए। वैसे चिराग पासवान भी कुछ कम नहीं है जी, चिराग जी भी सीएम बनने की ओवर एम्बिशन की रोशनी में जल रहे हैं, मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं और रोज नीतीश बाबू को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। शायद सुबह सुबह अपनी दिनचर्या बाद में शुरू करते हैं, पहले नीतीश बाबू को जेल भेजने लगते हैं। मतलब चिराग भैया नीतीश बाबू को जेल भेजने की इतनी जल्दी में है, मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो रिजल्ट से पहले ही सीएम पद की शपथ ना ले लें। वैसे अगर बिहार के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी होते तो चिराग को सुबह 5 बजे भी शपथ दिलवा देते, लेकिन यहां तो महामहिम फागु चौहान है, फागु चौहान तो शायद चिराग जी के भागु ना खुले। ये भागु क्या होता है शेखरू? अरे बंदरू भागु मतलब भाग्य, नियति, डेस्टिनी, लक। आजकल मैं भी मोदी जी की तरह राइमिंग में बात करने लगा हूं, काफिया मिलाने लगा हूं। तुम भी कुछ समझते नहीं हो जमूरे। मुझे जमूरा कह रहे हो? अरे अरे मैं तुम्हें जमूरा नहीं कह रहा हूं बंदरू। जेडीयू के एक नेताजी चिराग पासवान को जमूरा कह रहे, ये देखिए हमारे अगले बैलेट बोल बच्चन। बैलेट बोल बच्चन। बिहार में आप देखेंगे तो मदारी जो नचाता है वो नाच रहा है, मदारी नचा रहा है, जमूरा जो होता है जमूरा वाले पार्ट में है आजकल। देख लिया तुमने बंदरू, देख लिया इंसानों में भी मदारी और जमूरे होते हैं। फिर मदारी कौन है शेखू? मदारी भी पता चल जाएगा। ये देखो जमूरे वाली बात सुनते ही चिराग जी की लौ कैसे भभक गई और वो कैसे आग लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं क्योंकि बार बार यही लोग हैं जो बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पर काम कर रहा हूँ। आज अगर मुझे जमूरा बुला रहे हैं और तो ये जमूरा किसके इशारों पर नाच रहा है भैया? आप तो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इशारों पर नाच रहा है, इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी को आप मदारी बोल रहे हैं ना? जमूरा मदारी क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग? हाँ हाँ, पर कमाल ये है बंदरू कि ये सब तो बोल रहे हैं लेकिन जो हर बार बोलता था हर बार वो इस बार बिल्कुल चुप मौन। वो कौन? तेज प्रताप यादव, लालू जी के बड़े सुपुत्र। इस बार तेजू भैया बोलने में बिल्कुल भी तेज नहीं है, बस मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं। तो तेज प्रताप के अलावा और भी कोई बचा हुआ है क्या? अरे बंदरू सबसे बड़े वाले तो रह ही गए, नीतीश बाबू के लक्ष्मण और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। बैलेट बोल बच्चन। वैसे तो सुशील मोदी जी को कोरोना हुआ पड़ा है लेकिन वहां से भी वो हर आधे घंटे में ट्वीट्स और वीडियोस डाल रहे हैं। इतने ट्वीट्स और वीडियोस तो वो तब भी नहीं डालते थे जब वो अपने घर पे थे, और हॉस्पिटल में ना ही वो मास्क लगा रहे हैं और ना ही मरीज वाले कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए देखिए इनको ध्यान से देखिए, कहीं से लग रहा है कि ये हॉस्पिटल में है कि फिर से बीजेपी जेडीयू की सरकार
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी की कि आप लोगों के तो लौटने की गारंटी, हम लोग की क्या गारंटी है। ऐसा लग रहा है कि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्वीट सेंटर में भर्ती हुए हैं। देखिए देखिए वो क्या कह रहे हैं, दिखाओ भाई। कोरोना का वायरस सुशील मोदी जी पर अटैक कर रहा है और मोदी जी तेजस्वी यादव पर एक के बाद एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। बिहार चुनाव में बैलेट बोल बचनों की कमी नहीं है, इन सब के अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनकी पोल हम आगे खोलेंगे। जस्ट चिल एंड वेट। बोल खोल। चिराग पासवान जी कहते रहते हैं कि मोदी जी उनके सीने में, लेकिन मोदी जी उनके सीने में आए कैसे? डू यू नो इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। पता है आपको, आपको तो लग रहा होगा कि बस ध्यान किया और हनुमान जी आ गए। नहीं भाई साहब, नहीं, बड़ी मेहनत, मशक्कत और लगन के बाद आए थे। कितनी मेहनत के बाद आए थे देखेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स। दिखाओ भाई। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का। हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? अरे नहीं नहीं, एकदम बैठा हुआ, डर के मारे बैठा हुआ। चलिए शुरू करते हैं। ओके, साउंड, कैमरा, एक्शन। मैंने जो शुरू में बोला था ना, फर्स्ट, हाँ वो वाला एकदम सही, एकदम कुछ मत लो। हाँ, अरे आपने कह दिया तो वो गलत हो सकता है, बिल्कुल सही था, परफेक्ट बोला था, एकदम परफेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, शुरू की लाइनें हैं, ठीक है? हाँ, वो हनुमान वाली ना, हाँ ये वाली। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। देखा, ऐसे आए थे चिराग जी के सीने में हनुमान। अब आगे देखिए कैसे बना था ये वीडियो, देखिए देखिए देखिए, बहुत मजा। कट एडिट करेंगे भाई, सिंगल कैमरा ही शूट कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ भाई, सिंगल कैमरा है, जैसे आप सिंगल हैं, जैसे कभी मैं सिंगल था। कितनी बार बता तो दिया, चलो शुरू करो भाई। ये रिमोट है, इसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किसका है? नहीं नहीं, अब नहीं आएगा कोई भी। चलिए शुरू करते हैं। अरे बाल ठीक है बाबा, बाल ठीक है, कितनी बार देखेंगे, आप बाल कलाकार हैं। अरे हीरो लग रहे हैं, हीरो एकदम। चले चले चले। अरे भाई, मैं तो कब से कह रहा हूँ, चलो चलो चलो। इसे भाई, मैं लाइन ही भूल गया, मुझे बोलना क्या था। व्हाट डू आई हैव टू से? साइलेंट, साउंड, कैमरा, एक्शन। पगला गए हो क्या भाई? हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्पित करने पे आगे बोल रहे हो कि शुरू से करो? इसके बाद मैं एक टेक और कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, फिर से कर लीजिए। हाँ नहीं, मैं अब एकदम अलग ही ले रहा हूँ, कंटिन्यू रोल है ना, मैं बोलूँ ना? ठीक है बाबा, फिर से कर लीजिए। थे आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट, फिर से करते हैं। कैमरा, अच्छा इसको भी एक बार शुरू से ही कर लेते हैं। अरे बस भाई, हद होती है, उंगली पकड़ा, पहुंचा ही पकड़ लिया, एकदम सर पे चढ़ के बैठ गए। I'm not going to do it, नहीं करूंगा, ना, no, मैं नहीं करूंगा, back up। बोल खोल। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, आई एम टोटली थॉरली कंफ्यूज। किसने कंफ्यूज कर दिया तुमको शेखर? अरे मुझे कंफ्यूज कर दिया है मनोज तिवारी जी ने, जो बीजेपी के सांसद हैं। उनका कहना है कि भारत में कोरोना का वैक्सीन बन गया है। इतना सुनने के बाद मैं सदमे में आ गया हूँ। हम दवा बना लिए हैं और बिहार के हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसको फ्री कोरोना का वैक्सीन मिले। जाति पाति के जहर न अब यही जा फैलावा ये भैया,
बिहार के बच्चन के तनिया के कदम बढ़ावा ये भैया। अरे भैया जी, मुजफ्फरपुर में घोड़े को सड़क पर कोरा मार के फराक फराक दौड़ाया जाता है, और कुछ लोग ऐसा बात कर देते हैं अगड़म बगड़म की दिमगवा जो है वो बौराया जाता है। तिवारी जी और शुक्ला जी भी गजबे हैं। What? अरे मनोज तिवारी और रवि किशन शुक्ल दोनों भोजपुरिया एक्टर हैं, दोनों बीजेपी के सांसद भी हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि वो बीजेपी का चुनाव प्रचार करेंगे। इट इज बट नेचुरल। इसलिए दोनों पहुंच गए हैं बिहार, और गंगा के किनारे नाव पर बैठकर प्रचार के साथ साथ गपियाने का काम भी कर रहे हैं। तो सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, हर लोकतंत्र के रखवैया, सुना हो बिहार के भैया। बा भैया बा, छा गई हो छा गई, इतना तक तो ठीक है, अपनी पार्टी के लिए तो वो चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन हद तो तब हो गई जो हमारे रिपोर्टर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कह दिया कि कोरोना का वैक्सीन बन गया है। देख लीजिए कहां बना है भाई, आपके किचन गार्डन में कि आपके घर की अपनी लेबोरेटरी है, मतलब गोली की गोली दे दी। सुनिए, मोदी और भारत को कम मत समझो, हम दवा बना लिए हैं और बिहार के हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसको फ्री कोरोना का वैक्सीन मिले। वाह तिवारी जी वाह, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, यू आर ए वेरी जोकी। कोरोना की दवा कह लीजिए या वैक्सीन कह लीजिए, अभी भारत में तो क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं बनी है, और आप है कि लंबी लंबी हाँक रहे हैं, फेंक रहे हैं, भांज रहे हैं कि वैक्सीन बन गया। कहां बन गया, किसने बनाया, कब बनाया, कितना बनाया, किससे पूछ के बनाया? आपके पास कोई खुफिया एजेंसी है क्या जिसने आपको ये खुफिया जानकारी दी? अरे माना कि नेता लोग हाँकते हैं फेंकते हैं, लेकिन इतना भी मत फेंकिए ना कि लोग लपेट ही ना पाए। पोल खोल, पोल खोल में पोल खोलने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। ए रुको, कहां जाइएगा नहीं, बड़ो बड़ो चुपचाप।